स्वागत है आपका टेक्नो ब्रो में, मैं हूं विशाल कुमार। आज मैं सोनी CX 405 हैंडीकैम, ये सोनी CX 405 है जिसका मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि ये आप इसका इस्तेमाल घर के बर्थडे पार्टी और किसी भी फंक्शंस का छोटा मोटा वीडियो आप बना सकते हैं और उसको मिक्स करके एडिट करके उसे अच्छा रूप दे सकते हैं। और हमारे पास इसका सबसे ज्यादा यूज जो देखा जा रहा है अपना भारत में, बहुत लोग छोटे शहरों में, छोटे गांवों में इसका वीडियोग्राफी खास करके शादियों में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो है, इसे जो ऑन करते हैं सिंपली से ओपन करने के साथ ये ऑन हो जाता है। तो ये ऑन हो गया है दोस्तों, और इसमें आपको नजर आ रहा होगा मेरा स्क्रीन। तो मेमोरी कार्ड ब्लिंक हो रहा है और कोने में 0 मिनट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी कार्ड फुल है और रिकॉर्ड नहीं होगा। यहां से मेन्यू में जाते हैं, यहां मेन्यू में क्लिक किए थे, ये बटन है जिससे कि आप नेविगेट करते हैं, इधर उधर जिधर भी जाना है आप कर सकते हैं, ये इजी है दोस्तों। तो यहां इमेज क्वालिटी सेट करते हैं कि आप कौन सा क्वालिटी में इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, HD SD सारा क्वालिटी यहां है, तो इससे बाहर रहते हैं दोस्तों, सिंपली इससे बाहर रहते हैं। फिलहाल मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपने वीडियो जो आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो, मान कर चलो अभी यहां रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझे यहां टाइम दिखना चाहिए कि भाई रिकॉर्ड जो कर रहा हूं कितना समय का रिकॉर्ड हुआ है। तो आपको सिंपली नेविगेट बटन को एक बार ऐसे दबा देना है, साइड कर देना है इधर उधर, तो आपको रिकॉर्ड होने वक्त जो आप इसको नेविगेट बटन दबाओगे तो आपका वो टाइम चलना जारी जो है वो दिखने लगेगा। आगे दोस्तों, इसको अगर आपने रिकॉर्ड किया है, आज आपने कोई फंक्शन का रिकॉर्ड किया है, कल भी रिकॉर्ड किया है उसी फंक्शन का कुछ पार्ट्स, तो आप जानना चाहते हैं कि आज और कल मिला करके मैंने अभी तक में कितना रिकॉर्डिंग किया है, कितना समय का, तो यहां से समय का जानकारी पाना इस जगह जो दिखता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप यहां पे प्लेबैक बटन दबाएंगे, यहां 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक लिखा हुआ है। अगर इसे अलग अलग करना है तो सिंपली कोने में देख रहे हैं, कोना में फंक्शन, इसमें क्लिक कर देना है तो सारा डेट्स अलग अलग हो गए हैं। 10 तारीख का है ये 10 तारीख का ही है, ये 11 तारीख का है, ये 11 तारीख का है, ये 12 तारीख का, इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग से अच्छा है कि सबको एक साथ कर दीजिए। देखिए कोने में आते हैं, नीचे सबसे कोने में, और फिर इसे ओके दबाते हैं तो सारा बटन एक, सारा जो वेडिंग है, सारा जो भी मेरा क्लिप्स है सब एक जगह आ गया है। 10 से लेकर 12 तारीख तक जो भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है वो एक जगह है। तो जितना भी रिकॉर्डिंग आपने किया है सबको एक जगह कर लेना है और उसमें क्लिक कर देना है, सारा एक साथ खुल जाएगा दोस्तों। और जो वो कोने में जो यहां पर जो टाइम दिख रहा है, ये है वो टाइम जितना समय का आपने अभी तक ने वीडियो बनाया है, ये समय वो समय है कि आपका टोटल क्लिप का अगर लेंथ जोड़ा जाए तो इतना घंटा, 3 घंटा 49 मिनट 9 सेकेंड का है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप टाइम जानेंगे, एग्जैक्ट टाइम इसी तरीके से जान पाएंगे। अगर किसी भी क्लिप को प्ले करना है तो सिंपली आप उसे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं, किसी भी क्लिप को ऐसे क्लिप में क्लिक किए और ये प्ले होगा। तो दोस्तों, और फिर जब मुझे प्ले बैक से बाहर जाना है रिकॉर्डिंग में तो इस बटन पे दबाएंगे तो बाहर चले जाएंगे धीरे धीरे। चलिए बाहर आ गया और एक बार दबाने के बाद, तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें दोस्तों, और बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आऊंगा। दोस्तों, आपको ऑनलाइन वीडियो की जो सॉल्यूशंस दी जाती है वो दिया जाता है बादल शर्मा के द्वारा, और वो आपको हमारा प्लेलिस्ट ऑनलाइन सॉल्यूशन में मिल जाएगा दोस्तों। और हमारा ये वीडियो टेक्निकली है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए ये टेक्नो ब्रो में आसानी से सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।